इस वक्त जुड़े हुए सावित मलिक किसान नेता है, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा शिवम छाबड़ा बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सावित मलिक जी, शुरुआत आपके साथ कर रही हूं। हर रोज राकेश टिकैत खुद ही बयान देते हैं, खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। सालनी जी, हम लोगों का आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, सरकार हमारी सुन नहीं रही, तो आप ही बताइए हम लोग ऐसा क्या करें कि जिससे सरकार हमारी सुने और जो हमारी समस्याएं हैं उनका हल हो। तो इसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कुछ ना कुछ तो किसानों को करना ही पड़ेगा। तो वो तो स्टेप बाय स्टेप जो संयुक्त मोर्चे का फैसला होता है वही कर लेते हैं। दूसरा, आप जो टोल प्लाजा की बात कर रहे हैं, भारत की जनता को कितनी बार लूटेगी सरकारें? जब हम कोई भी नया व्हीकल लेते हैं तो उस पर रोड टैक्स लिया जाता है। जब रोड टैक्स हमसे गाड़ी खरीदते वक्त ले लिया गया तो उसके बाद में अच्छा। ये इसका क्या मतलब होता है कि भाई टोल टैक्स भी देंगे हम? अच्छा, कितनी बार एक एक चीज से कितनी बार टैक्स वसूलेगी सरकार? ये टैक्स कब से लेना शुरू किया गया है सर? ये जब से आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद से लिया जाना शुरू हुआ है क्या? जो चीजें आज हुई है वो थोड़ा ही आज ही समाप्त हो जाएंगी। हम भारत की जनता को बताना चाहते हैं कि ये सरकारें आपको कैसे लूट रही हैं और किसान ध्यान आकर्षण करा रहा है। जब आदमी नई गाड़ी खरीद सर, कितने तर्क और कितने कुतर्क के जरिए अपनी बात को सिद्ध करने की आप लोग कोशिश करेंगे? किसान आंदोलन क्या टैक्स के लिए शुरू हुआ है? किसानों ने टैक्स के लिए शुरू किया है आंदोलन? ये क्या रटी रटाई बातें और ये सारा गणित क्या टिकैत साहब का ही सिखाया हुआ है आप लोगों को? लेना देना नहीं, तीनों कृषि कानूनों के ऊपर आपका आंदोलन शुरू हुआ था, अब आप टोल प्लाजा पर बैठ करके वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद सर कहीं दूसरी जगह सीधा टैक्स ऑफिस के बाहर आप चले जाइए। आपको टैक्स से दिक्कत है, तीनों कृषि कानूनों से दिक्कत है या फिर सरकार से दिक्कत है, ये स्पष्ट करना होगा, उसके बाद आंदोलन आप आगे चलाइए। अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। हितेन भी इसके अलावा मेरे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, अभी जरा क्या स्थिति है टोल प्लाजा की दिखाइए, और ये सावित मलिक को भी जरा दिखाई देना चाहिए कि कितने किसान समर्थन में सामने आ रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल देख लीजिए, अभी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। अमित जरा तस्वीर दिखा दीजिए, टोल प्लाजा आप देख रहे हैं इस वक्त में दौराला टोल प्लाजा पर मौजूद, और यहाँ पर किसानों की संख्या आप देख लीजिए, अभी 10 बज रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर किसान पहुँचेंगे। कल भीड़ जरूर लगी हुई थी लेकिन अभी आप देखिए मात्र 4 लोग यहाँ पर, 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। 2 लेन बंद किया गया है, 3रे लेन पर पुलिस खड़ी है, पुलिस की जीप भी आपको दिखाई देगी। तो ऐसे में धीरे धीरे ये जो किसान है ये कोविड नियमों का थोड़ा सा पालन जरूर कर रहे हैं लेकिन मास्क लोगों के मुँह पर नहीं होता है। कोविड में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो डिस्टेंस नहीं होती है। ये पूछने पर कि क्यों नहीं है तो ये कह रहे हैं कि हम तो 2022 में 2024 में योगी और मोदी को वैक्सीन लगाएंगे। तो योगी और मोदी को वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं और इनका सीधा साफ कहना है कि हमें कोरोना नहीं होगा, योगी और मोदी को वैक्सीन लगाएंगे वो चले जाएंगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी धीरे धीरे यहाँ पर संख्या बढ़ेगी। सुबह कल भी मैं यहाँ पर मौजूद था, इस समय कल भी यही स्थिति थी क्योंकि ये लोकल लोग हैं, अगल बगल के गांवों में रहते हैं। तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती है और शाम तक कुछ लोग रहते हैं, फिर सुबह अपना नाश्ता पानी करने नहाने धोने निकल जाते हैं, फिर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ व्यवस्था देख लीजिए, खाने पीने से लेकर रहने तक की माइक से लेकर डीजे तक की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। टोल प्लाजा पर हो रहा है, जो समय ये घर पर व्यतीत करते हैं वो टोल प्लाजा के ऊपर व्यतीत कर रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा? और इस तरह से तो आंदोलन इसके पहले देश ने कभी नहीं देखा है। हितेन का भी मैं रुख करती हूँ, मुजफ्फरनगर में हितेन इस वक्त मौजूद है। हितेन, वहाँ के टोल प्लाजा की क्या तस्वीरें दिखाई है जरा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसान जो है वो 10 बजे तक अपना काम पूरा करके, खेत का काम पूरा करके अपना समय जो घरों पर बिताता था वही समय अब टोल प्लाजा पर बिता रहा है, ये हम कह सकते हैं। देखिए, जब मैं यहाँ पहुँचा था तब यहाँ पर गिन के सिर्फ 3 या 4 लोग बैठे थे और इनसे ज़्यादा संख्या जो है पुलिस की थी, लेकिन जैसे कैमरा ऑन हुआ वैसे अब आप संख्या देख सकते हैं कि नेताजी भी पहुँच गए और उनके आने के बाद संख्या देखिए कि यहाँ पर 10-12 लोग जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं। लेकिन उन्हीं से बात करते हैं, त्यागी जी ये बताइए कि संख्या तो आपके आने के बाद, कैमरा खुलने के बाद बढ़ी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। इधर जो ना कोई सुबह का टाइम है, कोई नाश्ता कर रहा था, कोई लैट्रीन भी जा रहा था, कोई पेशाब को, ऐसा नहीं है। संख्या तो हो रहा है रे, संख्या तो रात वाले हैं। डरने से कोरोना नहीं होगा? कौन सा इस धरने से कोरोना नहीं होगा? ये इतनी पुलिस खड़ी है, मेरे से ज्यादा तो पुलिस है यहाँ जी, इस तरह होने कोरोना भाई। कोरोना बंगाल में चुनाव है जिला पंचायत के, और ग्राम नेताजी ने सिखाया है कि बंगाल चुनाव और इन सबको बोलना है। नहीं, नहीं, लेकिन ये बताइए कि आखिरकार राकेश टिकैत जब यहाँ से निकले थे तब वो कह रहे थे कि संशोधन करा कर लौटूंगा,
ऐसा क्या हुआ कि राकेश टिकैत ने पलटी मार दी? आपसे बात हुई थी क्या? हम संशोधन कराएगा निमटेंगे। हमसे बात हुई थी, जी हिंदुस्तान पर ही बोले थे वो। क्या? मैं 3 दिन में संशोधन करा कर लौटूंगा। हमारा ये आभास था कि सरकार जो है, जो पहली सरकारें थी, वे 3 दिन पकड़ा नहीं थे। 3 दिन तो पहले किसान यूनियन के सामने नतमस्तक हो जाते, जो भी किसानों की बात थी उस बात को मानना थे। अब का हमें पता नहीं था कि ये इतनी अड़ियल सरकार है, इतनी हठधर्मिता दिखा रही, जो किसानों की बनाई हुई सरकार है। नहीं, इन्होंने 3 दिन में करा। लेकिन टिकैत जी ने ये भी कहा था कि कानून पास होने पर कि बाबा टिकैत का सपना पूरा हुआ, तो अब ये सपना कैसे पलट गया? एक बात तो बताओ भाई साहब, जो घुमा फिरा को बात करी जा रही, बाबा टिकैत जी ने नुकाय दिया था कि मेरी जमीन छीन कर बड़े बड़े 2 कोतियों की दे दियो। बाबा टिकैत ने कद कहा हम नौकड़ लगाओ, मेरी जमीन हमें नौकड़ लग जाएंगे। कानून में एक प्रावधान ऐसा बता दीजिए। काम कानून में एक प्रावधान ऐसा बता दीजिए। आप अगर आप संविधान की जो 3 कृषि कानून हुए, काले कानून हुए, अगर आप उसकी प्रतिलिपि आप यूँ हमें बता दें कि इसमें ये सही है किसानों के लिए। आपके सारे सवालों का जवाब ये नहीं दे पाएंगे।